नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बहुत विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे आने वाले सप्ताह की हर छोटी से बड़ी बात। 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर वाले सप्ताह के लिए आपके राशियों का हाल कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा जाएगा और इस सप्ताह की खास बातें क्या हैं, ये जानकारियां आपको देंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, ताकि पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो पितृपक्ष की चर्चा और साप्ताहिक राशिफल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सप्ताह का महामंत्र क्या होगा। पितृपक्ष में रोज मध्य दोपहर के समय में एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम। इस मंत्र का पितृपक्ष में दोपहर के समय आपको जप करना चाहिए 108 बार रुद्राक्ष की माला से और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से आशीर्वाद देने की प्रार्थना करना चाहिए। अगर ये मंत्र आप पितृपक्ष में जपते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। आगे हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इस सप्ताह की सावधानियां क्या हैं और इस सप्ताह का कौन सा दिन है जिस दिन का पूरा फायदा उठा सकते हैं और जिस दिन आपके तमाम काम बन सकते हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, यह समझते हैं कि पितृपक्ष आखिर होता क्या है और पितृपक्ष की परंपरा क्या है। देखिए, आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। वैसे अगर हम इसको गहराई से समझें तो यह भाद्रपद पूर्णिमा पर ही शुरू हो जाता है, लेकिन आश्विन महीने के हिसाब से आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है 15 दिन का, इसको पितृपक्ष कहते हैं। इसमें हम पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं। भारतीय शास्त्रों की ये अनूठी बात है कि हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं, क्योंकि पूर्वजों की कृपा से ही हम धरती पर विद्यमान हैं। तो इन 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्होंने जो हमारे जीवन को बनाया है, सजाया है, संवारा है, जो उनके उपकार हैं हम सबके ऊपर, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये जो 15 दिन का समय है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इस 15 दिन की अवधि में हम अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, अपने आचरण का ध्यान रखते हैं, अपने व्यवहार का ध्यान रखते हैं और जहां पर गड़बड़ियां होती हैं उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं। ये जो 15 दिन का समय है, आपको लगता है ना कि पितृपक्ष चल रहा है, अच्छा समय नहीं है, लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समय बड़ा पवित्र, बड़ा कीमती है और ये समय पुण्य प्राप्त करने का समय होता है। अगर आप पितृपक्ष में विशेष तरीके से पूजा उपासना करें तो आप अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में आपकी तमाम समस्याएं भी दूर की जा सकती हैं। शास्त्र कहता है कि अगर आप अपने पूर्वजों के लिए तर्पण नहीं करते, यानी अपने पूर्वजों के नाम पर जल अर्पित नहीं करते, तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं और तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है। देखिए, मुख्य बात समस्याओं की क्या है, ऐसा नहीं है कि आपके पूर्वज आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपको जो उनकी शक्ति मिलनी चाहिए, आपको जो उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। और पितृपक्ष के समय में शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष के समय में अगर आप पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, पितृपक्ष का नियम निभा रहे हैं, तो इस समय आप नया और शुभ कार्य नहीं कर सकते। ये इसका नियम है, ये इसकी मुख्य सावधानी है।
जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होते। क्योंकि अगर कोई पुरुष है उसके माता पिता जीवित हैं तो माता पिता पितृपक्ष का पालन करेंगे, माता पिता पूर्वजों को जल देंगे तो आपके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। और मान लिया कोई स्त्री है, कोई महिला है, उसके सास ससुर जीवित हैं तो वो महिला तो जल देगी नहीं, उसके सास ससुर अर्पित करेंगे, इसलिए उसके ऊपर भी पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। इस बार जो पितृपक्ष का समय है वो 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का समय है। इस समय में अगर आप पितृपक्ष के नियमों का पालन करें, पितृपक्ष के नियमों को समझें, तर्पण करें, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और ये समझते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह की स्थिति कैसी रहने वाली है। 20 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर का जो सप्ताह है वो आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो सप्ताह की जो शुरुआत है वो धन लाभ के साथ हो रही है, यानी इस सप्ताह में आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छे धन का लाभ होगा, ये संभावना शुरुआत में ही दिख रही है। इस सप्ताह में आपके संतान पक्ष की उन्नति भी दिख रही है, यानी आपके संतान के जीवन में, उसके करियर में, उसके शिक्षा प्रतियोगिता में उसे सफलता मिलेगी। और इस सप्ताह में आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग भी बन रहे हैं, यानी पूरे सप्ताह आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आता रहेगा, धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कहना क्या है, देखिए, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है, खासतौर से हड्डियों में दिक्कत हो या पेट में दिक्कत हो या आँखों में दिक्कत हो तो आप उसके मामले में इस सप्ताह में लापरवाही मत करिएगा। और करियर अभी आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसमें कोई भी गलती मत करिएगा। करियर जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अभी आपको करियर में बदलाव के निर्णय नहीं लेने हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए सुंदर हो, आपके महत्वपूर्ण काम बने, तो इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन अगर आप महत्वपूर्ण काम करते हैं, शुक्रवार के दिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सारे काम निपटा पाएंगे। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे, खास तौर से करियर संबंधी, पैसे संबंधी जो भी काम आपके रुके हुए थे, वो सप्ताह शुरू हो रहा है 20 तारीख से और वहीं से आपके काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, धन को लेकर के कहीं भी कोई दिक्कत वृषभ राशि वालों के लिए नहीं दिख रही है। लेकिन इस सप्ताह की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो आपकी मानसिक चिंताएं हैं, जो आपका मानसिक तनाव है, उससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वो संपत्ति का निर्णय हो, चाहे वो करियर का निर्णय हो, चाहे वो विवाह का निर्णय हो, अगर इस सप्ताह में आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो निर्णयों में सावधानी रखिएगा। प्रेम के मामले में और रिश्तों के मामले में भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो प्रेम और रिश्तों के मामले में भी सावधानी बनाए रखिएगा। क्योंकि इस सप्ताह आपके व्यवहार की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से आपके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, जिसका ध्यान रखना जरूरी होगा। इस सप्ताह में रविवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी है, किसी से मिलने जाना है, रविवार के दिन का इस्तेमाल करिएगा, आपको बहुत सारे फायदे जरूर होंगे। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत में ही मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। अपने काम को लेकर के,
अपने पुराने विवादों को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपके मन में जरूर थीं, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत से आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप इस समय थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा ध्यान दें सप्ताह में, तो आप देखेंगे कि आपको करियर में नए नए अवसर मिलते जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात जो इस सप्ताह की है वो ये है कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, आप अपने जीवन को रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जीवन को व्यवस्थित करने से आपकी किस्मत की स्थिति बहुत बढ़िया बन जाएगी। क्या खास बात है? देखिए, इस सप्ताह में परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, तो जहां तक संभव हो पारिवारिक विवादों से इस सप्ताह में बचिए, परिवार में विवादों को टालिए और अहंकार से बचाव करिए। अगर आपको सफलता लगातार मिल रही है तो ये ईश्वर की कृपा है, ये आपका प्रयास नहीं है, इसलिए जहां तक संभव हो अहंकार से बचिए। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाना है, तो सोमवार के दिन का प्रयोग करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है कि आखिर पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कौन जल अर्पित कर सकता है पितृपक्ष में और कौन पूर्वजों का श्राद्ध कर सकता है। देखिए, शास्त्र कहता है कि जो घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो रोज तर्पण कर सकता है। तर्पण क्या होता है? दोपहर के समय में अपने पूर्वजों को याद करके उनको जल अर्पित करने का जो काम होता है, इसे कहते हैं तर्पण करना। तो घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है, जो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है, वो रोज तर्पण कर सकता है। और अगर घर में कोई पुरुष बड़ा नहीं है, वरिष्ठ नहीं है, तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। जो पौत्र है यानी पुत्र का पुत्र है, या जो नाती है, जो पुत्री का पुत्र है, वो भी तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे घरों में केवल बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं। अब बेटियां तर्पण श्राद्ध अगर नहीं करना चाहती हैं, तो जो उनकी संतान है वो तर्पण और श्राद्ध कर सकती है। हालांकि देखिए, अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो इस समय बहुत सारी स्त्रियां अपने पिता को, अपने परिवार के लोगों को अग्नि भी देती हैं, उनका तर्पण भी करती हैं, उनका श्राद्ध भी करती हैं। तो वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। इस चीज़ को हमारे समाज ने एडॉप्ट कर लिया है। तो अगर घर में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएँ भी अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए रोज तर्पण कर सकती हैं और उनके मृत्यु की तिथि पर उनके लिए श्राद्ध कर सकती हैं। अब देखिए, पितृपक्ष का जो समय है ना, इस समय का पूरा फायदा आपको तभी होगा जब आप सावधानियों को समझेंगे, क्योंकि ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस 15 दिन का आपके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। आपको आपके पूर्वजों की कृपा मिल सकती है और बहुत सारे लोग पितृपक्ष में प्रयास करते हैं तो उन्हें उनके पूर्वजों के संदेश भी मिलते हैं, पूर्वजों की सूचनाएं भी मिलती हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए और समझने के लिए आपको पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। क्या नियम है, क्या सावधानी है? पितृपक्ष की अवधि में, जो ये 15 दिन का समय है जो हमने आपको बताया है, इस अवधि में, इस समय में दोनों समय स्नान करना चाहिए, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। और स्नान करके अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि याद करने का कोई विशेष तरीका है। आप अपने पूर्वजों के चित्र के सामने बैठें या दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उन्हें याद करें। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। कुतप वेला क्या होती है? दोपहर के मध्य दोपहर का जो समय है,
लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो समय है इसको पितृपक्ष में हम कुतप वेला कहते हैं। कुतप वेला में हाथ में जल लेकर के अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें जल दें यानी उनका तर्पण करें। और याद रखिए, पितृपक्ष में सुबह सुबह तर्पण करने का मतलब नहीं होता, पितृपक्ष में शाम को तर्पण करने का मतलब भी नहीं होता। पितृपक्ष में तर्पण करने का फायदा मध्य दोपहर में होता है, इसलिए मध्य दोपहर में अपने पूर्वजों को याद करके तर्पण कीजिए। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। कुश की अंगूठी अपने हाथ में पहन लें या कुश अपने साथ में रख लें, जल में काला तिल मिलाएं और अपने पितरों का, पूर्वजों का नाम लेते हुए उन्हें तर्पण करें। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, जैसे मान लिया कोई पुरुष रोज तर्पण कर रहा है या कोई स्त्री है जो रोज तर्पण कर रही है, तो बेहतर ये है कि इस अवधि में केवल एक समय में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ज़्यादातर लोग दिन में भोजन नहीं करते हैं, केवल शाम के समय भोजन करते हैं। और जो भोजन आप ग्रहण करेंगे वो सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। और पितरों को, पूर्वजों को अगर आप फूल चढ़ाना चाहते हैं या जल में काला तिल और फूल डाल करके तर्पण करना चाहते हैं, तो हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल अर्पित किए जाएंगे। जिन फूलों की खुशबू बहुत तेज है, जैसे गुलाब का फूल है, बहुत तेज खुशबू है, बेला का फूल है, तेज खुशबू है, हल्की खुशबू वाली सफ़ेद फूल से आप उनका तर्पण कर सकते हैं। तीखी सुगंध वाले, तेज सुगंध वाले जो फूल हैं वो वर्जित हैं, वो मना है। और दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पितरों को तर्पण करेंगे, पितरों को जल देंगे, उनका पिंडदान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि शास्त्र कहता है कि कर्ज लेकर के या दबाव में कभी भी तर्पण मत करिए, कभी भी श्राद्ध मत करिए। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो कि आप लोगों को भोजन करा पाएं, आप दान कर पाएं। ऐसी स्थिति में आप गाय को हरा चारा भी खिला देंगे तो इससे आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो जाएगा। और अगर उतने भी पैसे नहीं हैं आपके पास, तो आप अपनी छत पर चले जाएं या किसी सुनसान स्थान पर चले जाएं, दोनों हाथ ऊपर करके अपने पितरों की प्रार्थना करें और कहें कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूं, ऐसी स्थिति में मैं अपनी श्रद्धा आपको समर्पित कर रहा हूं, वो आप स्वीकार कर सकते हैं। चलिए, तीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल की हम चर्चा कर चुके हैं, वक्त हो गया है कर्क राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह के राशिफल का। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है और ये जो तनाव है ये इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, परिवार के मामले, करियर के मामले, पैसे के मामले इस समय उलझ गए हैं और वो आपका तनाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत तनाव पालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होगा। शुरुआत में थोड़ी शांति सप्ताह की शुरुआत में रखिएगा, आगे स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। करियर और धन की स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, यानी करियर में स्थितियां ठीक रहेंगी, पैसे भी आपके पास ठीक ठाक बने रहेंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं या विवाह के मामले आगे बढ़ रहे हैं तो इस समय विवाह के और प्रेम के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, इस समय उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। किस बात का ध्यान रखना है, देखिए इस सप्ताह में बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जब आपका टेंशन का लेवल बढ़ेगा, तनाव आपका बढ़ेगा, तो तनाव मत पालिए, मामला कहीं भी गंभीर नहीं है, संयम रखिए, पेशेंस रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस सप्ताह में अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम निपटाना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। इस दिन का इस्तेमाल करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा।
सिंह राशि। सप्ताह की जो शुरुआत है सिंह राशि वालों की वो मध्यम है, न बहुत बुरी है न बहुत अच्छी है। मध्यम शुरुआत सिंह राशि वालों के सप्ताह की हो रही है। सिंह राशि वाले लापरवाही नहीं करेंगे इस सप्ताह में, क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही करेंगे तो लापरवाहियों की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दवाई टाइम से नहीं खाएंगे, इलाज टाइम से नहीं कराएंगे तो सेहत आपकी बिगड़ेगी। और देखिए, करियर का मामला आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। करियर में बार बार बदलाव करने से बचिए, अभी चीज़ों को आराम से चलने दीजिए, क्योंकि करियर में कोई समस्या नहीं है। बेवजह बदलाव करके अपनी स्थिति को खराब मत करिए। इस सप्ताह में आपके परिवार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, परिवार की जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी सप्ताह में, और परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने के संकेत हैं। इस सप्ताह आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होते हुए दिख रहे हैं। इस सप्ताह की सावधानी ये है कि सप्ताह में वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में वाहन दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट चपेट लग सकती है। तो जहां तक संभव हो इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाइए। और इस सप्ताह का सबसे अच्छा दिन, जो आपके सारे काम बना सकता है, जिंदगी को रास्ते पे ला सकता है, वो शनिवार का दिन है। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना होगा, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, शनिवार के दिन का चुनाव करिएगा, आपको लाभ होगा। कन्या राशि। सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव दिख रहा है, काम का प्रेशर दिखाई दे रहा है, बहुत सारा काम का दबाव है और वो करना भी पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा इस सप्ताह में, आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी। और जो मन से आप परेशान थे, मानसिक स्थितियों को लेकर आपको चिंताएं थीं, इन मानसिक स्थितियों में भी सुधार होता हुआ इस सप्ताह में दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी, पैसे को लेकर के कोई खास समस्या, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके खर्चे भी सप्ताह में काफी बढ़ने वाले हैं। यानी पैसा एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ जाएगा। कन्या वालों को मैं कहूंगा कि आप अपने करियर में उन्नति का और सुधार का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह में अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपके करियर में उन्नति होगी। देखिए, कन्या राशि अगर आपकी है तो इस सप्ताह में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करिए, खास तौर से अपने संतान की जरूरतों को समझिए, और संतान से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो उसको सुलझाने का प्रयास करिए। रविवार का जो दिन है वो इस सप्ताह में आपके लिए काफी उत्तम होगा, और रविवार के दिन अगर आप इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं, आपका हर काम जरूर बन जाएगा। अब एक बड़ा अहम सवाल है, अक्सर लोग पूछते भी हैं, और ये सवाल आपके लिए जानना जरूरी भी है कि आपके पितरों से या पूर्वजों से, किसी के भी पूर्वज हों, उनके साथ पशु पक्षियों का क्या संबंध है। जी हाँ, आपके पूर्वजों के साथ वृक्षों का, पशु पक्षियों का बड़ा गहरा संबंध है। क्यों है ऐसा, क्या है मामला? ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितर हमारे जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो धरती पर आ करके हमें आशीर्वाद देते हैं, और ये जो हमारे पूर्वज हैं ये पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। ये भी माना जाता है जिन जीवों के माध्यम से या जिन पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे पूर्वज आहार ग्रहण करते हैं, हमारे नज़दीक आते हैं, वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी, इनकी विशेष महिमा होती है। वैसे तो महिमा हर समय होती है, लेकिन पितृपक्ष में इनकी महिमा ज़्यादा होती है। आपके पूर्वज की जो श्राद्ध की तिथि होती है, जिस दिन आप अपने पूर्वज का श्राद्ध करते हैं, उस दिन गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए और कौवे के लिए भी आहार का कुछ हिस्सा निकाला जाता है,
तब जाकर के श्राद्ध पूरा होता है। आपको गाय के लिए भी भोजन का हिस्सा निकालना है, चींटी के लिए भी निकालना है, कौवे के लिए भी निकालना है, तब जाकर के आपका श्राद्ध पूरा होगा। श्राद्ध करते समय अपने पितरों के लिए भोजन के 5 हिस्से निकाले जाते हैं और इसको कहा जाता है पंचबलि। पंचबलि का मतलब ये नहीं किसी की जान ली जाती है, पंचबलि का मतलब 5 जगह पर भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है और ऐसा माना जाता है कि भोजन के 5 अंशों के माध्यम से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिल रही है। गाय के लिए निकलता है, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए भोजन का कुछ हिस्सा निकाला जाता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इन 5 अंशों को अर्पित करने को पंचबलि कहा जाता है। क्या करते हैं, जिस दिन श्राद्ध होता है पहले गोबर का उपला या गोबर का कंडा जला लेते हैं, उसमें जरा जरा सा भोजन 3 बार में डालते हैं, 3 आहुति भोजन की दी जाती है। और आप जब भोजन करेंगे या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो भोजन के पहले 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकालेंगे, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए और देवताओं के लिए। पत्ते पर भोजन रखा जाता है, केले का पत्ता हो, आम का पत्ता हो, उस पर थोड़ा थोड़ा सा भोजन रखते हैं। और कौवे के लिए जमीन पर भोजन का थोड़ा सा अंश रखा जाता है और फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ देव हैं, वो प्रसन्न हों। और जब आप ऐसा करते हैं तब जाकर के इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और सबसे अंत में परिवार के सारे सदस्य मिलकर के एक साथ भोजन करते हैं। ये श्राद्ध करने का नियम होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और फिर से समझते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह आ रहा है, ये सप्ताह कुछ दे रहा है या कुछ ले रहा है। सबसे पहले तुला राशि। देखिए, तुला राशि वालों के सप्ताह की शुरुआत में ही धन प्राप्ति के उत्तम योग बने हुए हैं, यानी सप्ताह के शुरू में ही आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये सप्ताह आराम वाला नहीं है, इस सप्ताह में आपको काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये इस सप्ताह में ज़रूर दिख रहा है। आप इस समय करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं और इस समय आप कोशिश भी करेंगे और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि इसी समय प्रयास करने पर आगे चल करके आप नई शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्थान परिवर्तन मत करिएगा। अभी स्थान परिवर्तन के बारे में काफ़ी सोच विचार कर लीजिए और संपत्ति खरीदने और बेचने के निर्णयों में भी सावधानी रखिएगा, यानी स्थान परिवर्तन के मामले में और संपत्ति खरीदने बेचने के निर्णयों में आपको सावधानी रखनी होगी। इस सप्ताह आपको धन के मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय पैसे तो आपके पास आ रहे हैं लेकिन पैसे कितने कहां पर खर्च करने हैं, कितने कहां पर लगाने हैं, इस चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस सप्ताह धन के मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी होगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अच्छा रहने वाला है। अगर सोमवार के दिन आप अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है और ये तनाव कैसा है, ये तनाव आपके अपने करियर को लेकर के है, क्योंकि जिस उम्मीद से आपने अपने काम की शुरुआत की थी, जिस उम्मीद से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, वो उम्मीद आपकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में करियर को लेकर चिंताएं दिख रही हैं। लेकिन देखिए, एक बड़े राहत की बात है कि जो थोड़ा सा कठिन समय है आपका, ये आपके परिवार के सहयोग से ठीक हो जाएगा।
आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपका तनाव कम होता हुआ चला जाएगा। अभी आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके काम और भी ज़्यादा खराब होंगे और भी काम बिगड़ जाएंगे। इस सप्ताह के मध्य से यानी लगभग बुध बृहस्पतिवार से आपको काफ़ी सहायता मिलनी शुरू होगी, आपके मित्रों के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से, जो आपकी समस्याओं को कम करेगी। और इस सप्ताह आध्यात्मिक रास्ते पर अगर आप चलें, थोड़ी पूजा उपासना करें, थोड़ी प्रार्थना करें, थोड़ा मन को पवित्र रखने का प्रयास करें, तो उससे आपको लाभ होगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है। अगर बुधवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करते हैं, महत्वपूर्ण काम निपटाते हैं, तो सफलता की संभावनाएं बढ़िया बन जाएंगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है, एवरेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है, एवरेज है, मध्यम है। और शुरुआत में ही थोड़ा सा तनाव हो सकता है आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और आपके करियर में जिस तरह के बदलाव हुए हैं उसको लेकर के थोड़ा तनाव इस सप्ताह में दिख रहा है। देखिए, आपके जीवन में लगभग सारी चीज़ें ठीक हैं, आपका करियर भी ठीक है, पैसे की स्थिति भी ठीक है, और ज़िंदगी भी मोटे तौर पे ठीक रास्ते पे चल रही है। इस बात को समझिए, बेवजह चीज़ों को गड़बड़ मत करिए, और जल्दबाजी में किसी तरह के परिवर्तन का अगर आप निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में कोई बदलाव करते हैं या कर्जा लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो परिवर्तन से बचिए, और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो कर्ज लेने से भी बचाव करिए। इस सप्ताह में किसी मित्र के माध्यम से, कोई आपका अपना मित्र होगा उसके माध्यम से, या जीवन साथी के माध्यम से आपको सलाह मिलेगी, और इस सलाह से आपको लाभ होगा। इस सप्ताह में जो शुक्रवार का दिन है, जो फ्राइडे का दिन है, वो आपके लिए विशेष अनुकूल है, विशेष फायदेमंद है। अपने महत्वपूर्ण काम आप शुक्रवार को निपटाने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पितृपक्ष पर हमारी चर्चा जारी है, और पितृपक्ष से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। तीन राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल अभी बाकी है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिले, तो हम नियमित रूप से क्या करें, देखिए स्क्रीन पर क्या करें। पहला उपाय ये है कि दोपहर में जल में काले तिल मिला करके पितरों को जल अर्पित करिए। उस दिन तक अर्पित करिए जब तक आपके पितर का श्राद्ध नहीं हो जाता। दोपहर के समय में जल अर्पित करिए, तर्पण करिए, पितृ पक्ष में सात्विक भोजन ग्रहण करिए। आप अपने पूर्वजों को एक तरफ जल दे रहे हैं, एक तरफ उनके लिए श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए पितृपक्ष में सात्विक भोजन ग्रहण करिए, जहां तक संभव हो प्याज लहसुन का भी प्रयोग मत करिए, और किसी निर्धन व्यक्ति को रोज भोजन कराइए। अगर आप कर सकते हो ऐसा, आपकी सामर्थ्य ऐसी है, तो आप पितृपक्ष में किसी गरीब आदमी को, निर्धन व्यक्ति को रोज भोजन कराएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शाम को पितृपक्ष में, शाम के समय में या सुबह के समय में, जब भी आप समय निकाल सकें, तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ करें। और गीता का जो 11वां अध्याय है, इसका पाठ करके अगर अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, तो उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी।
पितृ विसर्जन अमावस्या जो है, जो कि 6 अक्टूबर को है, उसको सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। यानी जो पूर्वजों को आप जानते हैं उनके लिए भी और जिन पूर्वजों को आप नहीं जानते हैं उनके लिए भी सर्व पितृ अमावस्या पर दान किया जाता है। तो अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन, किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं कि जो सप्ताह शुरू हो रहा है 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। बात मकर राशि की। सप्ताह की शुरुआत में काम का बोझ दिख रहा है। पिछले सप्ताह काम का प्रेशर कम था, आराम से आप चल रहे थे, लेकिन इस सप्ताह वो आराम नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में काम का बोझ दिख रहा है, काम का प्रेशर दिख रहा है, लेकिन देखिए आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको फायदा भी होगा। करियर में, नौकरी में आपका कद बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी स्थिति मजबूत होगी और लोग आपके मेहनत की प्रशंसा भी करेंगे। विदेश या व्यापार से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। अगर आप व्यापार करने की तरफ जाना चाह रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं तो उस मामले में इस सप्ताह लाभ आपको हो सकता है। इस सप्ताह में आपको अपने रूटीन का ध्यान रखना है, अपने जीवनचर्या का, अपने खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह में यात्राओं का ध्यान रखें। अगर आप यात्राओं पर जा रहे हैं, लंबी यात्राओं पर, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में रविवार का जो दिन होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। महत्वपूर्ण काम जो भी हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग्स जो भी हैं, वो अगर आप रविवार के दिन रखें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। कुंभ राशि। सप्ताह की शुरुआत में ही सफलता दिख रही है। करियर की सफलता और धन की सफलता दोनों दिखाई दे रही है इस सप्ताह की शुरुआत के साथ साथ। काम काफी ज्यादा है आपके पास, काफी सारे प्रेशर हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ी हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हर काम को बुद्धिमानी से निपटा रहे हैं, तो काम ज्यादा होने से दिक्कत नहीं है, आपको सफलता काफी मिलेगी। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में और संतान के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे इस सप्ताह, वहां पर आपकी व्यस्तता दिख रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खास तौर से अपने खाने पीने का। काम इतना ज़्यादा मत करिएगा कि आप थक जाएं या बीमार हो जाएं। तो अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवनचर्या का विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह आप ऐसा जरूर करिएगा कि थोड़ा सा समय आप पूजा उपासना में लगाएं, थोड़ा समय प्रार्थना करने में लगाएं। इससे आपका मन मजबूत होगा, आपका आत्मबल मजबूत होगा और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते आपको दिखाई देंगे। इस सप्ताह में सोमवार का जो दिन है वो आपके लिए विशेष अनुकूल है। सारे महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन निपटा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए ये आने वाला सप्ताह कैसा है। भाई, सप्ताह की शुरुआत में ही मीन राशि वाले थोड़े तनाव में दिख रहे हैं। इस समय मीन वालों को थोड़ा डिप्रेशन भी दिखाई दे रहा है, मन परेशान है, मन चिंतित दिख रहा है। हालांकि ऐसा भी जरूर है कि कोई गुरु के मार्गदर्शन से, किसी गुरु की सलाह से या किसी गाइड की सलाह से आप इस डिप्रेशन से, इस तनाव से निकल भी जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको सही सलाह देगा और आपका तनाव कम होता हुआ चला जाएगा। इस सप्ताह में आप लंबी यात्राएं करने वाले हैं, लंबी यात्राओं पर आपको जाना पड़ेगा और दूसरों की जिम्मेदारियां आपने काफ़ी अपने सर पर ले रखी हैं, वो भी आपको निभानी पड़ेगी। दूसरे की जिम्मेदारियों में व्यस्तता आपके लिए बनी रहेगी।
लेकिन कुल मिला के जो धन का मामला है और जो करियर का मामला है वो ठीक ठाक बना हुआ है, तो वहां से बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आने वाले समय को लेकर के आप लापरवाहियां मत करिए, भविष्य को ध्यान में रख करके इस सप्ताह में प्लानिंग करिएगा कि आने वाले समय को कैसे इस्तेमाल करना है, पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, करियर को कैसे आगे बढ़ाना है। इन बातों को ध्यान रखकर प्लानिंग करेंगे तो आपको लाभ होगा। और मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर आपको महत्वपूर्ण काम करने हैं तो इस सप्ताह में आप मंगलवार के दिन का चुनाव करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, आने वाला सप्ताह है वो कैसा रहेगा, ये हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं एक महा उपाय के बारे में जो आने वाले सप्ताह में आपको जरूर करना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। नोट कर लीजिए, पितृ पक्ष में एक पीपल का पौधा जरूर लगाइएगा। पितृ पक्ष में किसी भी दिन सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में एक पीपल का पौधा लगा दीजिएगा और उसकी देखभाल करिएगा। निश्चित रूप से आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।